झारखंड महादेव मंदिर के भक्तों की ओर से एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है। यह संघर्ष समिति का गठन मंदिर प्रशासन के नए निर्णयों के विरोध में किया गया है। मंदिर प्रशासन के नए निर्णय के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में आधे भाग में भक्तों प्रवेश वर्जित कर दिया है, जिसके कारण भक्तों को लंबी समय तक लाइनों खड़ाना पड़ता है। घंटों घंटों तक भक्तों का पानी चढ़ाने के लिए नंबर नहीं आ रहा है, इसके कारण भक्तों में काफी नाराजगी नजर आ रही है। इसको देखते हुए संयोजक दिलीप सिंह नतावत सहित अन्य भक्तों के ओर से संघर्ष समिति बनाई गई है, जिस संघर्ष समिति का कहना है मंदिर प्रशासन अपनी नई व्यवस्था बदले, इस साथ अन्य सुधार भी मंदिर प्रशासन ज्ञापन सौंपे गए हैं। तो जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपील की गई है। इसके तहत महासचिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गजराज सिंह को भी ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना के बाद में अब आधी जगह में भी उसने सर्टिफिकेट दे दिया, अनुमति दे दी सबको 11,000। गौरतलब है भक्तों का कहना है मंदिर प्रशासन तुरंत इस व्यवस्था बदले ताकि भक्तों को घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े।